वायरस के नए वेरिएंट की दहशत के बीच जहां देश विदेश में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट पर है। लेकिन इसी बीच शिवराज सरकार की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का एक अनोखा बयान सामने आया है। उषा ठाकुर का दावा है कि कोरोना से कुछ नहीं होगा, क्योंकि टंट्या मामा के जो ताबीज बटते हैं उनसे लोग स्वस्थ हो जाते हैं। मंत्री के बयान पर कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने पलटवार किया है। देखिए, मध्य प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है किसी सर्कस से कम नहीं है। अजीबोगरीब बयान देते हैं मंत्री। कोई कहता है शिवराज जी का पुनर्जन्म हो गया है टंट्या मामा के रूप में, कोई कहता है कि बाढ़ के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, कोई कहता है महंगाई के लिए नेहरू जी का भाषण जिम्मेदार है। अजीबोगरीब तर्क और अजीबोगरीब बयानबाजी देते रहते हैं। इनके प्रभारी कहते हैं बनिए ब्राह्मण मेरी जेब में, अजीबोगरीब बयान भाजपा नेताओं के रोज़ सामने आ रहा है। अब उषा ठाकुर जो पहले गोबर के कंडे से कोरोना भगा चुकी हैं, जो पहले गोमूत्र से कोरोना भगाने की दाव बात करती थी, मास्क नहीं लगाने की बात करती थी, अब वो कह रही हैं ताबीज की बात कर रही हैं। तो अभी कमल पटेल जी बोल ही चुके हैं कि शिवराज जी का टंटे मामा के रूप में पुनर्जन्म हुआ है, तो भाजपा को शिवराज ताबीज बांटना चाहिए गली गली चौराहे चौराहे पर, और ये जितने गाइडलाइन और प्रतिबंध है सबको हटा लेना चाहिए, और जो वैक्सीन को लेकर भी अभियान चल रहा है उसको भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि शिवराज जी के ताबीज के बाद तो लगता नहीं किसी को कोरोना होगा। मंत्री तो ऐसे ही कह रही हैं और मंत्री खुद अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। तो निश्चित तौर पर अजीबोगरीब बयान है मंत्रियों के, भाजपा को इस पर कोई नियंत्रण नहीं इन मंत्रियों पर, इसलिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।